वन ये है इंडिया का हार्ट तो आप, आप समझ ही गए होंगे कौन सा स्टेट है यस दिस इज मध्य प्रदेश एंड हियर आई एम माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक आज मैं फिर से आई हूं हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ और जो स्टेट आज मैं टेकअप करने जा रही हूं वो है मध्य प्रदेश लेट्स गेट स्टार्टेड अब आते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पे जैसे कोई भी सिविल जज का एग्जाम तीन स्टेजेस में होता है वैसे ही एमपी जुडिशरी का एग्जाम भी तीन स्टेजेस में होता है पहला राउंड है प्रिलिमिनरी सेकेंड राउंड है मेथ और थर्ड राउंड है इंटरव्यू अब इन सारे राउंड्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक है पैटर्न और दूसरा है सिलेबस ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एग्जाम किस तरीके का होगा और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे पैटर्न पे आते हैं सबसे पहले तो यहाँ का जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ का एग्जाम ऑनलाइन होता है दैट कंप्यूटर सिस्टम पे यूजुअली जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट मिलती है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको कंप्यूटर सिस्टम में अलॉट होंगे और उसमें आपको एग्जाम देना होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वन हर क्वेश्चन एक मार्क का होगा जो टोटल मार्क होगा वो भी वन होगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से गेस्ट वर्क कर सकते हो अब आते हैं सिलेबस पे इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिवाइडेड है यहाँ पर लॉ के 110 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जीके के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कंप्यूटर और 10 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के अब इसके सिलेबस को भी मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगी नेक्स्ट पीपीटी में तो अब आते हैं हम सारे सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से जो कि इस तरीके से है आपको सीआरपीसी से मिलेंगे टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन सीपीसी से फिफ्टीन क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आईपीसी से 15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको टेन क्वेश्चन मिलेंगे टू के पहले एमपी जुडीसी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते थे टू से कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट से आपको एट क्वेश्चन मिलेंगे टीपीए से आपको सेवन क्वेश्चन मिलेंगे दोनों लॉ से आपको एनआई से आपको मिलेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन कम्प्यूटर से टेन क्वेश्चन और इंग्लिश नॉलेज से अगेन टेन क्वेश्चन अब आते हैं इन डेप्थ डिस्कशन की जनरल नॉलेज में इंग्लिश में और कंप्यूटर में क्या आएगा तो जनरल नॉलेज आएगा टोटल ट्वेंटी मार्क्स का यहाँ पे आपको पढ़ना होगा जीके करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज लीगल इश्यूज, एमपी का लोकल जीके जिसमें आपको एमपी का करंट पार्ट और एमपी का स्टैटिक पार्ट दोनों कवर होगा एक्सक्लूसिव बाइफन नहीं है कि ट्वेंटी मार्क्स में क्या चीज एक्सक्लूसिवली पूछी जाएगी इन सबको मिक्स एंड ब्लेंड करके क्वेश्चन आते हैं फिर आते हैं हम इंग्लिश पे इंग्लिश टेन मार्क्स का आता है और जो टेंथ लेवल तक की ग्रामर होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के आपको वर्ड मीनिंग लिखने को आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे फ्रेजेस मुहावरे वगैरह और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आता है कंप्यूटर अगेन वो टेन मार्क का होता है और बहुत ही जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर आपने कभी भी कंप्यूटर को यूज किया हुआ है आजकल तो सभी करते हैं तो आप आराम से इसके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप चलते हैं दूसरे स्टेज पे दैट इज मेन्स एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस तो पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं अगेन ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा यहाँ पर लिखने के लिए आपको रूल्ड आंसर शीट्स मिलती हैं और अब जितनी चाहे उतनी आंसर शीट बी सी डी जितना चाहे उतना लिख सकते हो चाहो तो आप एक आंसर शीट में भी अपने आंसर को खत्म कर सकते हो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर एक्सक्लूसिवली स्पेस प्रोवाइड नहीं की जाती इट्स योर चॉइस द वे यू वॉन्ट टू प्रेजेंट द आंसर मीडियम इंग्लिश या हिंदी दोनों हो सकता है मतलब बाइलिंग तो में अटेम्प्ट करो पेपर चाहे हिंदी में अटेम्प्ट करो पेपर चार होंगे हर पेपर लिखने के लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे और हर पेपर सौ नंबर का होगा तो चार पेपर है दैट मींस आपका मेंस होगा फोर हंड्रेड मार्क्स का अब आते हैं सिलेबस पे इसमें चार पेपर होंगे पहला पेपर है सिविल लॉ का पेपर टू होगा ट्रांसलेशन एसे और प्रेसी राइटिंग का पेपर थ्री है क्रिमिनल लॉ और पेपर फोर है जजमेंट राइटिंग अब चलिए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे की पीपीटीज में तो अब आते हैं सिलेबस फॉर मेन्स एग्जामिनेशन सबसे पहला पेपर वन सिविल लॉ का होगा हंड्रेड मार्क्स तीन घंटे

एक सिलेबस टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ट्वेल्व तो जो ट्वेल्व क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट होता है वो इन सब्जेक्ट में से किसी भी तीन टॉपिक्स को रैंडमली उठा करके आपको देते हैं तो इस तरीके से होगा आपका पेपर वन अब आते हैं पेपर टू पे पेपर टू क्या है पेपर टू है ट्रांसलेशन प्रेसी और एसे राइटिंग का ऐसे आपको एक सोशल इशू पे लिखने को आएगा थर्टी मार्क का और ऐसे एक लीगल इशू पे लिखने को आएगा ट्वेंटी का आपको दोनों में दो दो टॉपिक दिए रहेंगे और तो आपको एक सिलेक्ट करके लिखना है प्रेसी राइटिंग ट्वेंटी मार्क्स का आएगा एक पैराग्राफ दिया होगा उसे आपको समराइज करना है और ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी फिफ्टीन मार्क्स के दोनों होंगे पहले ये पैराग्राफ वाइज वाइज पूछे जाते थे लेकिन अब ये पॉइंट वाइज पूछे जाते हैं और यूजली जो वर्ड्स होते हैं जिन पर इम्फेसिस होता है वो होती है लीगल टर्मिनोलॉजी सो तो अब अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए और स्टार्टिंग से डिग्लॉट वेयर फॉलो करिए दैट विल हेल्प यू आउट अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे दैट इज पेपर थ्री पेपर थ्री है क्रिमिनल लॉ का अगेन हंड्रेड मार्क्स और तीन घंटे का समय अब क्वेश्चन का डिविजन देख लेते हैं सीआरपीसी से दो क्वेश्चन ऑफ एट मार्क्स एविडेंस से दो क्वेश्चन ऑफ एट मार्क्स आईपीसी से दो क्वेश्चन ऑफ एट मार्क्स दो लोकल लॉ है दोनों से दो दो क्वेश्चन ऑफ एट मार्क्स ईच एनाई से, एनाई से सिर्फ लास्ट दिस से आएंगे एक उसको प्रिपेयर करिए शॉर्ट नोट अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट नोट आएगा जिसमें तीन सब पार्ट होंगे रैंडमली किसी भी टॉपिक से सब्जेक्ट से वो टॉपिक्स उठाए जा सकते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सीरियली अटेम्प्ट करिए अगर आपको लगता है कि पहले आपको आईपीसी का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में पहले आईपीसी अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाद में बाकी सेक्शंस को अटेम्प कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर अब आते हैं पेपर फोर्थ पे जो कि सबसे टफ पेपर है पेपर ऑफ जजमेंट राइटिंग इसमें आपको टेन मार्क का मिलेगा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज टेन मार्क्स फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग आएगा सिविल और क्रिमिनल फोर्टी मार्क्स ईच इस पेपर को करने के लिए भी तीन घंटे का टाइम मिलेगा और हंड्रेड मार्क्स होंगे अब आते हैं अपने फाइनल राउंड पे जो है इंटरव्यू इंटरव्यू जैसे सारे इंटरव्यूज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में वैसा ही होगा बायल होता है डिपेंड करता है कि आपको पैनल कौन सा मिला है यहाँ पे बस एक चीज है जो पॉइंट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर 50 मार्क्स के इंटरव्यू में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आपने मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर नहीं किए तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे और आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ इसी तरीके से था मैं काफी डरी हुई थी कि मुझे ट्वेंटी मार्क्स मिलेंगे कि नहीं लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा मार्क्स मिले आपका इंटरव्यू आपके पैनल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा पैनल मिला है यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस आपका इंटरव्यू लेते हैं दो जजेस का पैनल होता है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो पढ़िए और जाके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस फेस करिए सो दिस इज ऑल अबाउट एमपी सिविल जज क्लास टू एग्जामिनेशन सिलेबस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप एलएक्स से या एलए की टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे मोड्स हैं आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट